तो बेटे डियर चिल्ड्रन, हम प्रेजेंटली एक हमारा बेटे जो प्रैक्टिकल पढ़ा है आपको पहले वो समझाना है, बाकी काम फिर बेटे बाद में स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने बेटे ऑलरेडी जो वेरिफिकेशन ऑफ द ओम्स लॉ है यू माइट हैव कंप्लीटेड दैट बेटा, सो लेट मी बेटे अगेन हैव द एक्सपेरिमेंट इंट्रोड्यूस्ड टू यू। द नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज बेटे टू वेरीफाई ओम्स लॉ बेटा। तो पहले आप बेटे इसका एक बार बेसिक सेटअप देख लीजिए कि वेरिफिकेशन हमने ओम्स लॉ की कैसे करनी है। तो इस केस में बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी हैविंग द प्रोसीजर विच वी विल बी अडॉप्टिंग इन ऑर्डर टू वेरीफाई ओम्स लॉ बेटा। ओम्स लॉ की वेरिफिकेशन में नहीं के लिए बेटे हमने कौन कौन से स्टेप्स हमारे जो हैं वो इन्वॉल्व रहेंगे। इस प्रोसीजर में आपके पास बेटे बेसिकली जो है ओम्स लॉ के सेटअप के लिए बेटा रिक्वायर्ड, लेट अस बेटे गो फॉर विद दिस वेरिफिकेशन। इसमें यू माइट बी हैविंग द सर्किट सेटअप शोन ऑन योर स्क्रीन बेटे। द सेल और द बैटरी इट इज राइटली इन फ्रंट ऑफ यू एंड द रियोस्टेट इज क्वाइट विजिबल। एंड देन बेटे you might be having with you the resistor, the voltmeter and the ammeter बेटे। तो इन सारी चीजों को जब बेटे आप फोकस करोगे तो यू विल यू कैन सी बेटे व्हेन वी आर मेकिंग यूज ऑफ दिस सर्किट। ये हमने सर्किट स्विच ऑन कर दिया। तो इन दिस वे बेटे द फ्लो ऑफ द करंट दैट इज क्वाइट विजिबल टू यू। और आप यहां से अगर एडजस्टमेंट करोगे बेटा, ये प्रेजेंटली बेटे आपको 0.8 एम्पियर और वोल्टेज जो है दैट इज आल्सो इंडिकेटेड टू यू बेटा एज सच। और अगर आप यहां से रियोस्टेट की वेरिएशन कर देते हो, आपने रियोस्टेट की वेरिएशन करके बेटे करंट वेरी कर दिया, यू माइट बी नोटिसिंग दैट कि अब करंट की रीडिंग जो है दैट हैज बिकम बेटे डिफरेंट। और इन दिस वे बेटे अगर आप स्टिल इसको और वेरी कर देते हो, आपका जो रियोस्टेट है इसकी वेरिएशन आपको इंडिकेट कर देगी। अगेन यू कैन सी अब आपका करंट जो है इसमें और चेंज आ गई है। और अब ये देखिए आपका करंट जो है ये और भी ज्यादा बढ़ गया है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस बेटे सेटअप आप अपने सर्किट में रियोस्टेट से वेरिएशन करके करंट को कंट्रोल कर सकते हो। कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यूज बी एंड आई की जो है ये डियर चिल्ड्रन आप नोट भी कर सकते हो बेटा। सो डियर 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 चिल्ड्रन बेटा वंस अगेन बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा, आपने जब भी इस केस में बेटे अपने सेटअप को देखना है, सेटअप में जाकर आपने रादर इस करंट और वोल्टेज की बेटे रीडिंग्स जो है इनको मैनेज करना है, देखना है, व्यू करना है, ग्राफ प्लॉट करना है या टेबल ड्रॉ करना है, आप अकॉर्डिंगली ये वैल्यूज नोट कर सकते हैं। प्रेजेंटली डियर चिल्ड्रन आपका करंट आप नोट कर सकते हो बच्चों 0.01 एम्पियर के बराबर का बच्चों आपका करंट है। और डियर चिल्ड्रन कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज आपकी 0.12 वोल्ट है। अब सेकेंडली ये देखिएगा, मैं यहां से इसको और वेरी कर देता हूं बेटा, आपके रियोस्टेट को ये थोड़ा सामने वेरी किया, ये लीजिए ये आपके पास सेकंड रीडिंग बन गया बेटा। यू कैन व्यू द चार्ज कैरियर्स मूविंग विद मोर इन दिस इन वे बेटे आपका जो इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा। करंट आपका 0.33 एम्पियर है, वोल्टेज बेटे 4 वोल्ट के बराबर है। यू कैन स्टिल इंक्रीज और डिक्रीज, और आप इसको बदल दीजिए थोड़ा सा, और ये देखिए
अब आपका करंट 0.17 एम्पीयर्स एंड बेटे डियर चिल्ड्रन वोल्टेज आपके पास 2 वोल्ट्स के बराबर आपको मिल गई है बेटा। अब एक आधा रीडिंग आप और मैनेज करिएगा, लेट इट बी शिफ्टेड टू दिस पोजीशन बेटा, और इस पोजीशन में चलिए आप इसको रीडिंग को बेटे ऐसे फिक्स करिएगा 0.08 एम्पीयर, और आपका वोल्टेज जो है बेटे दैट इज 1 वोल्ट। आई जस्ट मीन टू से दैट कि आप जिस भी तरीके से मर्जी अपनी रियोस्टेट से एडजस्टमेंट करके अपनी रीडिंग्स का टेबल जो है बेटा वो बनाकर इसको बेटे एडजस्ट कर सकते हो, देख सकते हो, सोच सकते हो बेटे। अब डियर चिल्ड्रन लेट अस बेटे फर्दर मोर ट्राई टू स्विच ऑफ दिस सर्किट। मैंने ये की ओपन कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया आपका सर्किट बेटे, इट इज इंडिकेटिंग नो करंट नाउ बेटे। तो अगेन आप इसको की को अगर कनेक्ट कर दोगे आपके सर्किट में करंट जो है बेटा ये फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। सो इन दिस वे बेटे आपने अपने सर्किट को रियलाइज करना है। आप एक बार फिर से सारे सर्किट के कंपोनेंट्स देख लीजिएगा, रियोस्टेट जिसको आप वेरिएबल रेजिस्टर भी बोलते हो, एक आपके पास सोर्स ऑफ ईएमएफ है, बैटरी है, देन करंट है, देन वोल्ट मीटर है, और रेजिस्टर आपके पास लगा हुआ है। आप इसको स्विच ऑफ और स्विच ऑन करके इसकी बेटे एडजस्टमेंट करके रीडिंग्स नोट कर सकते हैं बेटा। देन बेटे इसके बाद आइए हम बात करके देखें कि इसमें हमारा बेटे कौन सा थ्योरी पार्ट कौन सा इन्वॉल्व रहेगा बेटे। लेट अस फोकस अपॉन दैट पार्ट आल्सो बेटे। इसमें अब बेटे सो बेटे डियर चिल्ड्रन इन दिस वे बेटे आपने अपने सेटअप को देखा, जिस सेटअप में आपने जो सर्किट है वो प्रॉपरली प्लॉट भी किया, सर्किट आपने जो आपका बना हुआ था उसको देखा, और सर्किट को देखकर बेटे आपने अपनी जो रीडिंग्स हैं उनको नोट किया, और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आपके पास जो है ये सारी आ गई थी बेटे। अब बेटे इस सारे के सारे कंसेप्ट के बाद आइए थोड़ी सी और बेसिक डिस्कशन करके देखें कि जब हम ग्राफ वगैरह प्लॉट करते हैं अपने सेटअप के लिए तो हमारा ग्राफ कैसा हो जाना चाहिए, और किस तरीके से हम ओम्स लॉ की बेटे वेरिफिकेशन भी करते हैं। आइए बेटे एक बार देखें, आपने जो प्रेजेंटली सर्किट देखा था उस सर्किट में बेटे आपके पास एक आपका बैटरी यानी आपका सोर्स ऑफ ईएमएफ था बेटे, एंड आपने एक एमीटर यूज कर रखा था, एंड देन बेटे देयर वाज अ रियोस्टेट प्रेजेंट इन द सर्किट, और डियर चिल्ड्रन यहाँ पे आपके पास एक रेजिस्टेंस था, अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू आपने निकालनी थी, और इस अननोन रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपने बेटे जो है एक यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा रखा था, और ये जो वोल्ट मीटर है इसको बेटे आपने इन दिस वे एडजस्टमेंट करके बेटे रीडिंग्स आप अपनी जो है ये नोट कर सकते। पॉसिबली जब आप अपने सर्किट को की को स्विच ऑन करते हैं आपका करंट इस तरीके से फ्लो करने लग जाता है, जब इसमें से करंट फ्लो करेगा आपका जो वी है ये आई इन टू आर के बराबर आपको जो है रीडिंग इंडिकेट कर देगा कि इतने एम्पियर आपका करंट जो है ये फ्लो हो रहा है, और इतने वोल्ट आपका करंट इसके क्रॉस है, करंट की वजह से डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल है, एमीटर आपके पास ऑलरेडी है, वैसे आपने ये रीडिंग्स आपके पास ऑलरेडी हैं भी, तो इट इज जस्ट अगेन वी आर ब्रशिंग अप द थिंग्स बेटा। और टेबल आप कैसे बनाओगे, यू विल हैव सीरियल नंबर, और इसके बाद आपके पास आ जाएगा वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर रीडिंग ये आपका बेटे वोल्ट में आ जाएगा, देन एम मीटर रीडिंग ये आपका एम्पियर्स में आ जाएगा, देन एक फाइनल कॉलम आप बना सकते हो रेजिस्टेंस के लिए जो आपका वी अपॉन आई के बराबर जो है ये हो जाएगा बेटे।
ये कॉलम्स आप बना लीजिएगा अपनी फिर प्रैक्टिकल फाइल पर, और आपके पास बेटे जो है फर्दर मोर यहाँ पे 1, 2, 3, 4 आप ये रीडिंग्स, आपने 4 रीडिंग्स प्रेजेंटली नोट की थी, इन रीडिंग्स के साथ आपने बेटा 4 रेजिस्टेंस की वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी बेटा। इट विल बी रेजिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट रीडिंग, फ्रॉम द सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग एंड फ्रॉम द फोर्थ रीडिंग बेटा। अब आप इन सब रीडिंग्स का बच्चों मीन ले लीजिएगा, जब आप इनका मीन लोगे रीडिंग्स का, आपके पास आ जाएगा जी मीन रेजिस्टेंस बेटा। इट विल बी इक्वल टू R1 + R2 + R3 + R4 डिवाइडेड बाई 4, सो मेनी ओम्स इट विल बी बेटे। आपने अननोन रेजिस्टेंस अपना निकाल लिया बेटा। अननोन रेजिस्टेंस निकाल कर कभी कभी आपको बेटे एग्जामिनर जो है वो ग्राफ बी और आई में बनाकर उससे भी ये वैल्यूज को वर्कआउट करने को कहते हैं। आइए उस कंसेप्ट के ऊपर भी एक बार बच्चों फोकस करके देखें। लेट अस ड्रॉ द कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ आल्सो बेटे। आपने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो एक्सिस ड्रॉ कर लिए हैं बेटा। आपके जो ये वाले एक्सिस हैं, हॉरिजॉन्टल वाले एक्सिस हैं जो बेटा, इनके क्रॉस आपने अपना पोटेंशियल डिफरेंस जो जो भी आपकी रीडिंग्स आई थी, और वर्टिकल एक्सिस के अलोंग आपने अपना करंट जो है ये बेटे इक्वल इंटरवल्स के साथ ये मार्किंग्स कर ली हैं। इन मार्किंग्स को कंप्लीट करने के बाद जो जो भी आपकी रीडिंग्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप ऑलरेडी कर भी चुकी हो वैसे ही, वो रीडिंग्स आप मार्क कर दीजिएगा बेटा। और मान लीजिए आपका ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन आ जाता है, और ये आपका मान लो बेटा 0.5 वोल्ट है, 1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, समथिंग लाइक दैट। लेट इट बी 0.2 एम्पियर एंड दिस इज 0.4, 0.6, 0.8 एंड 1 एम्पियर, समथिंग लाइक दिस। तो आप ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपका यहाँ पर आ जाता है, ये डायरेक्टली इंडिकेट कर देता है बेटे कि आप यहाँ पे जो V और I है किसी कंडक्टर के लिए ग्राफ बना चुके हो। और फर्दर मोर इस ग्राफ से जब आप रेजिस्टेंस वर्कआउट करना चाहते हैं, आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करिएगा इस तरफ से ऐसे, और ये मान लीजिए आपके पास बेटे कुछ इस तरीके का 1.2 एम्पियर 3 वोल्ट पे आपको मिल रहा है। ये आप एंगल थीटा बना सकते हो बेटे, और यहाँ पे टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस हुआ करता है। परपेंडिकुलर आपका आई है, बेस आपका वी है, सो टेन थीटा को आप 1/v/i, इसको मैंने बेटे आई को नीचे ले गया हूँ इस तरीके से एडजस्ट कर दिया है, और ये v/i आपका r के बराबर होता है, इट विल बी 1/r। सो बेटे रेजिस्टेंस आपका जो है 1/tan θ इसके बराबर आ जाएगा, एंड इट विल बी इक्वल टू 1/tan θ, कितना था 1.2/3, ये 1.2 एम्पियर आपका और ये 3 वोल्ट। सो रेजिस्टेंस आपके पास 3/1.2 एंड 2.5 ओम आपका रेजिस्टेंस बेटे निकल आता है। सारे स्टूडेंट्स बेटे एक बार देखिए, चेक करिए और मुझे बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल? एक्सपेरिमेंट आपने अभी अभी बेटे सिमुलेटर पे देखा भी, और आपने नोटिस भी किया कि किस तरीके से आपकी जो रीडिंग्स हैं वेरी करेंगी जब आप रियोस्टेट से एडजस्टमेंट्स करोगे, टेबल कैसे प्लॉट करना है, ग्राफ कैसे बनाना है, और उन ग्राफ से इंटरप्रिटेशन आपने कैसे करनी है, ये सारा आपको बता दिया। नाउ बेटा आप अपनी जो प्रैक्टिकल वाली फाइल है उसको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। क्लियर टू ऑल डियर चिल्ड्रन? यस बेटा। भूमिका, अंशिका, अखिलेश, आशिमा, दक्ष, हरसिमरन कौर, कार्तिक, ओके बेटा, नाइस। यस बेटे, डियर चिल्ड्रन एक बार देखिएगा, ऑल ऑफ यू बेटर, अखिलेश, आशिमा, भूमिका, भूमिका पुत्र, ओके नाइस बेटे। सो डियर चिल्ड्रन स्टेटमेंट पार्ट में आप देखिएगा,
you might be having that statement part. It is directly indicating the statement part that according to the Ohm's law, आपका वोल्टेज जो है वो करंट पर डायरेक्टली डिपेंड करता है और उस डिपेंडेंस के साथ चलते चलते आपने यू कैन व्यू दैट कि ये जो आर आपका आ रहा है दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बिटवीन और आपने वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है उसको डियर स्टूडेंट्स इंट्रोड्यूस किया देन बेटे इसके बाद आप इसकी ग्राफ की जो प्रेजेंटेशन है इसको भी व्यू कर सकते हो ग्राफ डोंट थिंक विजिबल नहीं लग रहा है मुझे तो ग्राफ वैसे मैंने आपको बता दिया है और बेटे इस तरीके से आप अपने जो इस केस में रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज हैं बेटा अगर सीरीज पैरेलल का भी आपको करना है अकॉर्डिंगली आप बेटे मैनेज कर सकते हैं सो डियर स्टूडेंट्स इस केस में हम अपने ये सारे के सारे बेटे सेटअप को एज सच बेटे वेरीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सिमुलेटर आल्सो लेट मी बेटे वंस अगेन बेटा यस बेटे सो बेटे इन दिस वे आपने थ्योरी पार्ट भी देखा और आपने अपना बेटे जो सिमुलेटेड वे में एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसे कंप्लीट कर लिया दिस वे बेटे आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा बेटे ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप एंड ऑल दैट था बेटा इस एक्सपेरिमेंट के बारे में किसी भी स्टूडेंट को बेटे कोई भी बात पूछनी है यू आर मोस्ट वेलकम बेटा दिस इज द ओनली एक्सपेरिमेंट दैट इज मेंशनड प्रेजेंटली इन आवर सिलेबस सो इसको बेटे बाई ऑल मीन्स अपनी नोटबुक्स जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल्स हैं उन पे कंप्लीट कर लीजिएगा बेटे सो आइए बेटे लेट मी गो फॉर विद द ऑलरेडी वर्क वी वर डूइंग वी वर डिस्कसिंग बेटा द सैंपल क्वेश्चन पेपर्स और सैंपल पेपर्स उसमें आपने लास्ट टाइम बेटे केस स्टडी के दो तीन क्वेश्चंस बेटे कंप्लीट किए थे आइए कंटिन्यू करते हैं बेटे उनको फर्दर मोर और देखें कि कैसे हम बेटा फर्दर डिस्कशन कंप्लीट कर सकते हैं बेटे सो लेट मी राइट डाउन द और रीड आउट द स्टेटमेंट फॉर यू बेटा केस स्टडी का क्वेश्चन है आपके पास फर्दर नेक्स्ट वाला बेटे आपको दिया गया है बेटा ए स्टूडेंट हैज परचेज्ड बेटे थ्री रेजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस 4 ओम 6 ओम एंड 12 ओम फ्रॉम द मार्केट 4 ओम 6 ओम एंड बेटे 12 ओम फ्रॉम द मार्केट ही आल्सो परचेज्ड ए बैटरी हैविंग ईएमएफ 6 वोल्ट्स बैटरी की जो ईएमएफ है जो वोल्टेज है दैट इज 6 वोल्ट R1 आपको दिया गया है R2, R3 इस केस स्टडी में दिया गया है देन द स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ ए बैटरी द थ्री रेजिस्टर्स द की एमीटर एंड द वोल्टमीटर रियलाइज द फॉलोइंग सर्किट ये बेटे सर्किट उस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने जो है आपको इंडिकेट करके उन्होंने दिया हुआ है दिस इज द बैटरी शोन इन द सर्किट बेटा और ये आपके पास बेटे आपका रेजिस्टेंस नंबर R1 उन्होंने लिखा हुआ है एंड हेयर दिस इज बेटे R3 कल हमने बेटे दो इस तरीके के जो है केसेस स्टडी किए भी थे और यहाँ पे आपको उन्होंने R1 R3 एंड इसके साथ R2 दिया हुआ है और ये जो आपके R2 रजिस्टर के अक्रॉस उन्होंने बेटे वोल्ट मीटर अटैच कर रखा है उस स्टूडेंट ने और यहाँ पे एमीटर इंडिकेट कर दिया गया है बेटा एंड दीज आर द टर्मिनल्स मार्क्ड ओवर देयर एंड फर्दर मोर बेटे ये सेटअप आपके पास एज सच उन्होंने दिया हुआ है सो अब आपको पूछा किया गया है बेटा R1 जैसे कि आपका बेटे 4 ओम के बराबर था R3 12 ओम था R2 आपका बेटे जो है ये 6 ओम के बराबर था द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है बेटा द करंट फ्लोइंग थ्रू द 12 ओम रेजिस्टर इज
the current flowing through 12 ohm resistor, this is to be calculated. Beta, aap calculate karke dekhiyega sir. Yes, very nice Raghav, good beta. मैं ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूं प्रेजेंटली. 12 ओम के रेजिस्टर में से करंट फ्लो निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इनके अक्रॉस बेटे आपका वोल्टेज कितना है दोनों के अक्रॉस, और वो वोल्टेज निकालने के लिए आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस यस बेटे ठीक है सर्किट का निकालना पड़ेगा. ये देखिए ये दोनों आपके पैरेलल में लगे हुए हैं, 1/4 प्लस 1/12, दिस इज 1/R, इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा. एंड दिस इज 12, 4/12, एंड आर आपके पास जो है 3 ओम के बराबर का रेजिस्टेंस बेटा, इन दोनों का आपने वर्कआउट किया. फिर से पुत्र देखिएगा, दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से आप 3 ओम निकाल लेंगे. ये 3 ओम और ये 6 ओम आपके पास बेटे जो है ये सीरीज में है, एंड आर की इफेक्टिव वैल्यू फिर 9 ओम बन जाती है बेटा. 6 वोल्ट का आपके पास बैटरी है और करंट टोटल आपके सर्किट में जो है इट विल बी इक्वल टू वी अपॉन आर. वी बेटे आपके पास 6 वोल्ट है, आर आपके पास 9 है, 6/9 एम्पियर. चेक करिए सारे स्टूडेंट्स का बेटे इतना बन रहा है बेटा. राघव, भूमिका, दक्ष, हरलीन, हरसिमरन, कार्तिक, काविश, कीर्ति, माधव, पलक, ओके बेटे नाइस. फिर अब देखिए कि इस रेजिस्टर में से करंट आपका बेटे फ्लो हो रहा है 6/9 एम्पियर्स, 6/9 एम्पियर्स. इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है पूछी गई आपसे, आगे क्वेश्चन में पूछी होगी, आइए पहले ये वोल्टेज वर्कआउट करके देखें. V will be equal to I into R. This is equal to I is 6/9 into 6 beta. It is 4 volt beta. Check kariyega. 6/9 into 6. V is equal to I into R. Aapne kar diya. इसके रेजिस्टर के अक्रॉस बेटे वोल्टेज जो है 4 वोल्ट बन गई है, टोटल 6 वोल्ट के बराबर की वोल्टेज है, इन दोनों के अक्रॉस बेटे इट विल बी 2 वोल्ट. वोल्टेज आपके पास है, करंट आप निकालना चाहते हैं, आई जो है बेटा दैट विल बी इक्वल टू वी अपॉन आर. वी आपके पास 2 वोल्ट और आर आपके पास 12, एंड आई आपके पास बेटे 1/6 एम्पियर्स इस आर थ्री में से फ्लो हो रहा है. एक बार चेक करिए कैलकुलेशन सारे बच्चे बेटा, ऑल ऑफ यू बेटे एक बार चेक करके देखिएगा आपका करंट इतना आ रहा है बेटे. डियर राघव, हरमन, हरसिमरन, कार्तिक, काविश, कीर्ति, माधव, पलक, प्रप्रीत, वी इज इक्वल टू आई इन टू आर, वी आर अडॉप्टिंग. इसके क्रॉस इफेक्टिव वोल्टेज आपने निकाल लिया 4 वोल्ट का टोटल करंट निकालने के बाद, इनके क्रॉस वोल्टेज 2 वोल्ट का आ जाएगा. और यू नो दैट V इज इक्वल टू I इनटू R, I इज इक्वल टू V अपॉन R, V इज 2 एंड R इज 12 इन द केस ऑफ थर्ड रेजिस्टर. राघव अरोड़ा, भूमिका बेटे जरा देखिए आपका आंसर मैच कर रहा है पुत्र कि नहीं. राघव, राघव इज देयर और नॉट बेटा, ठीक है बेटे, ठीक है, ओके ठीक है बेटे, नाइस बेटे नाइस. सेकंड क्वेश्चन में बेटे आपसे उन्होंने क्या कहा है, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द 3 ओम रेजिस्टर, सॉरी 3 नहीं 4 होना चाहिए, मिस प्रिंट लग रहा है, यस 4. ये बेटे आर वन की वैल्यू दी हुई है. कैलकुलेट द करंट थ्रू द 4 ओम रेजिस्टर दैट इज आर वन. इसके थ्रू करंट आपका बेटे अगेन आप यही फॉर्मूला अडॉप्ट करेंगे. वोल्टेज बच्चों आपके पास दी हुई है आई थ्रू द रेजिस्टेंस आर वन, उन्होंने आपको कहा है.
इट इज इक्वल टू वी अपॉन आर बेटे वी. बच्चों आपके पास देखिए 2 वोल्ट आपने निकाल रखा है, आर आपके पास 4 है, आई बेटे आपके पास 0.5 एम्पियर्स के बराबर करंट आ जाएगा और ये करंट बेटे स्लाइटली लेस देन 0.5 एम्पियर, थोड़ा सा कम पड़ गया है. और अगर आप देखें तो इसके बाद आप इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लेती हूँ तो टोटल करंट आपको आपके सर्किट में मिल जाएगा, दैट इज 6/9 एम्पियर्स. इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आपको बेटे कहा गया है फाइंड द वोल्ट मीटर रीडिंग इन द सर्किट शोन. वो आपने ऑलरेडी कर ली है बेटा, आपने जब वोल्ट मीटर इसके अक्रॉस अटैच कर रखा है सेकेंड रजिस्टर के अक्रॉस, आपके वोल्ट मीटर की रीडिंग वी जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू आई इन टू आर. अब टोटल करंट आपका इसमें से फ्लो हो रहा है 6/9 एम्पियर, रेजिस्टेंस इसका 6 है, तो आपने बेटे इस तरीके से कैलकुलेशन करके ऑलरेडी निकाल दिया है. देन बेटे फोर्थ पार्ट आपको दिया गया है, व्हाट इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इन द सर्किट. ये भी आप ऑलरेडी कर चुके हो. ये बच्चों दोनों आपके देखिए पैरेलल में लगे हुए थे, इनका इफेक्टिव आपने ये निकाला था, ये इसके साथ सीरीज में लगा हुआ था, और ये बेटे आपके पास 3+6 9 ओम आपका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है सर्किट का बच्चों ये बन जाता है. फाइनली लास्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है व्हाट इज द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, दैट इज आल्सो कैलकुलेटेड बेटे 6/9 एम्पियर के बराबर है. टोटल करंट के लिए आप क्या करने वाले हो, आपका करंट जो होगा दैट विल बी वी अपॉन आर इफेक्टिव. वी बेटे आपके पास 6 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है उस स्टूडेंट ने और आर हमारा 9, सो टोटल करंट आपका 6/9 एम्पियर्स. आप इसको बेटे पॉइंट्स में निकाल कर लिख सकते हो बेटा. सो डियर चिल्ड्रन इस तरीके से आप इस जो आपको प्रॉब्लम दिया गया है केस स्टडी बेस्ड इसको कंप्लीट कर सकते हैं बेटा. सो ये हमारा आज का काम था बेटे, एक तो आपने अपने प्रैक्टिकल को कंप्लीट करना है, अपनी फाइल पे लिखना है, ग्राफ वगैरह सारा कर लेना है जैसे आपको शो किया है, बाकी ये काम आप अपना करते जाइए. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड बेटा. किसी भी स्टूडेंट को कोई और बात पूछनी है तो यू आर मोस्ट वेलकम बेटा. एनीवन फ्रॉम योर साइड इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, एनीवन एनी चाइल्ड बेटा. अखिलेश, अंशिका, आशिमा, भूमिका, दक्ष, हरसिमरन, जय, आदित्य, ओके बेटा, नाइस बेटे. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड बेटे, थैंक यू ऑल.